बच्चन परिवार में से जिया बच्चन अक्सर ही पेपराजी के साथ रूड अंदाज में बात करने पर खासी मशहूर हैं। इस टाइम पर भी ऐश्वर्या राय की वजह से जिस तरीके से जिया बच्चन ने खासा रूड बिहेवियर रखा पेपराजी के साथ, आपको मुकम्मल वीडियो इनके सुनवाएंगे जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर एक इवेंट में जाते हुए की वीडियो ऐश्वर्या और जिया की बहुत वायरल हो रही है, आपको सुनवाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। बताते चले ऐश्वर्या के बारे में और बताते चले जिया बच्चन के बारे में। तो ये दोनों सास बहू एक दूसरे के साथ जहाँ पर मान सम्मान और प्यार रखती हैं, वहीं पर जिया बच्चन अपने गुस्से में हमेशा सबसे ज्यादा ऊपर रहती हैं। यही बात है कि एक इवेंट में जाते हुए जहाँ पर ऐश्वर्या और जिया बच्चन ने इकट्ठी अपीयरेंस दी, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि जिस तरीके से ऐश्वर्या हंस रही है जबकि पेपराजी को जिया बच्चन बहुत ही बुरे तरीके से स्कोल्ड करती हुई, बहुत बुरे तरीके से डांटती हुई उनके बार बार ऐश्वर्या इधर देखें प्लीज पर बहुत ज्यादा उनको डांट रही है। उनका कहना है कि क्या ये आपकी स्कूल फ्रेंड है या फिर आपकी कॉलेज फेलो है जिस तरीके से आप इनका नाम फर्स्ट नेम ऐश ऐश या ऐश्वर्या कहकर बुला रही हैं। फैंस का कहना है कि ये बुड्ढी हमेशा हर चीज पर चिढ़ती ही नजर आती है, चाहे वो ऐश्वर्या की इज्जत की जाए या फिर उनकी ना इज्जत की जाए। इन सारी चीजों में जिया बच्चन हमेशा खासी बदनाम रही हैं पेपराजी के मामले में। व्यूअर्स आपका क्या ख्याल है कि पेपराजी को भी इस चीज पर एथिक्स सीखने चाहिए किस तरीके से किसी भी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम ना लें बल्कि मैम कहें, या फिर इट्स नॉर्मल थिंग ये सिर्फ जिया बच्चन के ही दिमाग का गुमान है जो कि हमेशा ही बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।